डिंडोरी विधानसभा से विधायक ओमकार मरकाम बेटे शिवाय मरकाम ने एक मकान से खतरनाक प्रजाति के ब्लैक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया है, जिसके बाद में वन्य प्राणी प्रेमी शिवाय मरकाम ने सांप को जंगल में छोड़ दिया है। शिवाय मरकाम पिछले कई सालों से स्नेक कैचर का काम कर रहे हैं। मरकाम अभी तक करीब 500 सांपों का रेस्क्यू कर उनके जान बचा चुके हैं। शिवाय मरकाम बताते हैं कि उन्होंने सांप पकड़ने की ट्रेनिंग भोपाल आर्मी कैंप से ली थी। उनको बचपन से ही वन प्राणियों के प्रति लगाव रहा है, लिहाजा सांपों की जान बचाने उन्होंने विशेष पहल की है। शिवाय एक दिन में 5 से लेकर 10 सांपों की जान बचाते हैं। न सिर्फ जिला मुख्यालय बल्कि दूरदराज इलाके में सांप मिलने की सूचना पर वो तत्काल पहुंच जाते हैं। तो वहीं शिवाय के पिता पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम अपने बेटे के इस काम को पूर्ण कार्य बतलाते हुए सावधानी बरतने की हिदायत देते हैं। अभी तो रात में भी जाते हैं, कई बार हम भी पूछते हैं कहां हो, तो उसमें जाते हैं और एक जीव है उसे बचाने की कोशिश तो है, परंतु ईश्वर विधि का विधान है और ईश्वर से ही प्रार्थना है भोलेनाथ से कि उन्हें हमेशा इसमें कृपा बनाए रखें। अभी तक मेरे करियर में 500 से ज्यादा सांपों का मैं रेस्क्यू कर चुका हूं। अभी ये साल 147 सांप कल ही पकड़ा हूं। 147 सांप अभी तक 2022 में रेस्क्यू हो चुके हैं, जिसमें कोबरा है और जो जहरीले वेनिमस स्नेक है उसमें कोबरा है, कॉमन क्रैट है, रसल वाइपर है। हमारे इलाके में भी बहुत तादाद में मिलते हैं। और नॉन वेनिमस सांप में एक पाइथन रेस्क्यू हुआ था समनापुर से, और आपका रेड स्नेक हो गया, जैकेट किलबैक हो गया, टेंटेड स्नेक हो गया, वाटर स्नेक हो गया, ये सब नॉन वेनिमस स्नेक भी रेस्क्यू किया हूँ। तो उधर बिलासपुर में एफसीआई में चावल जमा करने की धीमी रफ्तार ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने राइस मिलर्स की बैठक लेकर एफसीआई में चावल जमा करने की गति बढ़ाने को कहा है। कलेक्टर ने अंतिम तारीख को ध्यान में रखते हुए चावल जमा करने की वर्तमान गति को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा है कि मिलर्स की जो वाजिब दिक्कतें हैं प्रशासन उनको दूर करेगा। बैठक में कलेक्टर ने राइस मिलरों को लक्ष्य के अनुरूप चावल जमा करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि चावल जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई है। फिलहाल 39,809 मैट्रिक टन चावल एफसीआई को दिया जाना बचा हुआ है। राइस मिलरों को 2,54,000 मैट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा किया जाना था, लेकिन अभी तक 1,65,600